हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, राइट। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी बंदे की हाइप कैसे क्रिएट करें। सो हाइप क्रिएट करने के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। सो चलिए आज की इस वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, सो सबसे पहले हम हाइप का मीनिंग समझते हैं। हिंदी में मीनिंग क्या होता है? सो हाइप का मीनिंग होता है प्रचार करना। सो अपने मतलब सेल्स में अपने अपलाइन का कैसे प्रचार करना है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मतलब कहीं भी आपके साइड अगर मोदी जी आ रहे हैं, तो मोदी जी आ रहे हैं तो वहां पर करीब 10 दिन 15 दिन पहले से क्या होने लगता है? प्रचार होने लगता है वहां पर उनके बारे में। मतलब जय जयकारा लगने लगता है कि मोदी आ रहा है भाई, मोदी आ रहा है, मोदी आ रहा है भाई मोदी। सो ऐसे प्रचार होने लगता है, मतलब पुलिस प्रशासन बढ़ जाते हैं अपने, मतलब वहां पर तैयारी शुरू होने लगती है, हर चीज होने लगती है, राइट। सो ऐसे ही अगर मैं अगर बात करूं तो मोदी बिना प्रचार करे वहां पर आ जाए, कहां पर मतलब आपके वहां पर बिना प्रचार करे आ जाए और चला जाए, तो किसको क्या फर्क पड़ेगा? सो पब्लिक को मतलब पता तो तभी लगेगा ना जब प्रचार होगा। सो प्रचार होगा तभी तो व्यापार होगा। सो आप अपनी मतलब अपलाइन की कैसे हाइप क्रिएट कर सकते हो, सो उसके बारे में अभी मैं बताता हूँ। सो अपलाइन की हाइप क्रिएट करने के लिए पहले मतलब उसके उनके बारे में आपको पूरी चीजें बतानी होगी। जैसे कि मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी के बारे में मतलब हर कोई जानता है, उसके नाम मतलब प्रचार होने लगते, पोस्टर छपने लगते हैं, हर चीज होने लगती है, राइट। ऐसे ही आपको अपने मतलब अपलाइन की हाइप क्रिएट करने, उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखानी है, उनके बारे में बताना है कि मतलब ऐसे ऐसे मतलब काम कर रहे, इतना रुपए कमा रहे हैं यहाँ से इस इंडस्ट्री में, मतलब ऐसे ऐसी ट्रेनिंग से ये देते हैं, इसके ऊपर एक्सपर्टीज है इनकी। सो हर चीज आपको उनको बतानी होगी, राइट। जो जिसकी जिस भी प्रोस्पेक्ट के आगे अपने मतलब अपलाइन की हाइप क्रिएट करने वाले या किसी भी चीज की हाइप क्रिएट करने वाले, सो उसकी आपको चीजें बतानी पड़ेगी कि किस चीज पे वो मतलब आज बात करने वाले हैं, किस लेवल पे कैसे काम करते हैं। सो हर चीज आपको उनके बारे में वहां पर बतानी होगी। सो इसी चीज की मतलब हाइप क्रिएट, जैसे कि मैं अगर बात करूं तो आज मैं जिस पर्सन से आपकी बात करवाने वाला हूं वो मेरे सीनियर हैं। उनके अगर मैं बात करूं तो उनका यार ये सेम बिजनेस 8 कंट्रीज में चल रहा है। 8 कंट्री में सोच के देखो यार, अपने घर पे बैठ के 8 कंट्रीज में इस बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो और इंडिया में 21 स्टेट्स को डील करते हैं। सो अगर मैं अपने अपलाइन की हाइप क्रिएट करूंगा तो ऐसे हाइप क्रिएट करूंगा, राइट। सो उनके बारे में बढ़ा चढ़ा अगर बताना नहीं, जो वो है वो उस चीज के बारे में उनके बारे में बताना, बार बार बताना कि ऐसे पर्सन से बात करवाने वाला हूं जो कि महीने का 1 से 2 लाख रुपए कमाते हैं, राइट। सो ऐसी ऐसी चीजें आपको वहां पर कहनी पड़ेगी, उनके बारे में बताना पड़ेगा, उनके बारे में बताना पड़ेगा और डेली बताओगी जब आप मतलब हाइप क्रिएट होगी उनकी, कि वो बंदा भी सोचेगी किससे बात होने वाली है मेरी। सो उस चीज के बारे में मतलब वो सोच पाएगा कि हाँ, मैं जिस पर्सन से बात होने वाली वो एक वाक्य में पावरफुल इंसान है। ऐसी अगर मैं मतलब आप बिना हाइप क्रिएट करें उनसे मतलब बात करवाते तो वहां पर उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसलिए आप जब भी अपने अपलाइन से बात करवाओ या मतलब किसी से पर्सन से बात करवाओ या वेबिनार दिखाओ तो उसकी पहले हाइप क्रिएट कर दो। इस वेबिनार को देख के आपको मतलब पैसा कमाना आ जाएगा या इस मतलब वेबिनार को देखने के लिए हजारों लोग आ रहे हैं, इस मीटिंग में आज हजारों लोग आएंगे। सो टाइम पर रहना। सो हर चीज की हाइप आप क्रिएट कर सकते हो उसके बारे में बताकर, उस चीज के बारे में मतलब बताकर सही तरीके से बताना है और सारी चीजें क्लियर आउट वहां पर करनी है। सो आपकी हाइप क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। सो चलिए आज के लिए इतने ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।